अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइन्थ मैथ क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करनी है। 4.3 से पहले आपको मैं डेफिनेशन अंडरलाइन करवा देती हूँ, ठीक है। डेफिनेशन आपकी पेज नंबर 88 पे मौजूद है और वो है सर्ट एंड देयर एप्लीकेशन। सर्ट की डेफिनेशन आपके पास है, इसको अंडरलाइन कर ले, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। एंड इरेशनल रेडिकल विथ रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है ए अंडर रूट में है और उसके ऊपर एन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो ए है वो आपके पास रैशनल और जो आपके पास सर यहाँ पे द रिजल्ट ए और अंडर रूट में है एन, ठीक है, उसके ऊपर ये आपके पास इरेशनल है। और इसकी डिफरेंट आपके पास एग्जाम्पल्स दी हुई है, उन एग्जाम्पल्स को भी अंडरलाइन कर लें, ये आपके पास सर्ट के एग्जाम्पल्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन भी एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा। सिंपली यहाँ पे यही कहते हैं कि अगर आपके पास सेम टर्म्स हुई, ठीक है, जिन वैल्यूज का इंडेक्स आपका सेम हुआ तो वो आपके पास प्लस माइनस में आ सकती है, ठीक है, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास पेज नंबर 89 पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्स बताया हुआ है। यहाँ पे अगर आपके पास वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन हुई, ठीक है, ए बी आपके पास मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ तो आप उसको सिंपल एक सर्ड में लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह डिवीजन में अगर हुई वैल्यूज तो आप उनको एक सर्ड में डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। बहुत आसान एक्सरसाइज है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है 180। अब आपने क्या करना है, 180 का सबसे पहले आपने लेना है एलसीएम, ठीक है। जब आप 180 का एलसीएम लेते हो तो यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं, आपको एलसीएम लेना पता है, यहाँ पे 2 कितनी टाइम 18, 2 9 से 18 0, उसके बाद ये आपके पास 2 4 सा 8, 1 इधर आ जाएगा 2 5 टाइम 10। नेक्स्ट आपके पास 3 के टेबल में, क्योंकि 2 के टेबल में आगे नहीं हो सकता, अब हम 3 पे लेके जाएंगे, 3 1 सा 3 और ये आ जाएगा 15। नेक्स्ट आपके पास 3 5 टाइम 15 और अब आपके पास टेबल किस पे जाएगा, 5 1 सा 5, ठीक है। यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया। अब आपने क्या करना है, जो आपके आपके यहाँ पे फैक्टर्स आए हैं उनको आपने लिखना है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ये आप लिख लोगे और ऊपर क्या है आपके पास अंडर रूट। अब आपको पता है कि आपके पास जो अंडर रूट है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू को पुट कर देना, ये क्या आ जाएगा, 1/2। अब आप देखो यहाँ पे 2 आपका पेयर्स में है, यहाँ पे 3 भी पेयर्स में है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 5 वन टाइम है तो आपके पास सिंबल आ जाएगा और होल पावर क्या आ जाएगी, 1/2। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास पावर है 1/2, इस 1/2 को हर पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब देखो 5 के ऊपर आपके पास क्या है, 1, ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1/2 ही आ जाता है। यहाँ पे 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल 2 मल्टीप्लाई 3। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 6। और यहाँ पे कह रहा है 5 की पावर क्या है, 1/2। अब 1/2 हम पहले पढ़ चुके हैं किसकी वैल्यू होती है, अंडर रूट की, ठीक है, तो आपने यहाँ पे 1/2 की वैल्यू पुट करेंगे और वो क्या है, अंडर रूट। इस मीन के 5 जो है वो आपके पास अंडर रूट में आ जाएगा और ये आपके पास 6 अंडर रूट 5 आपका आंसर है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो जाता है। अब हम एक्सरसाइज 4.3 का सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो 3 है वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है 3 और आपके पास 162, ठीक है, 3 आपका जो है वो 162 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 162 का एलसीएम ले लिया, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने 180 का एलसीएम लिया था, अब हम किसका एलसीएम लेंगे, 162 का। तो जब आप 162 का एलसीएम लोगे तो ये आपके पास क्या आ जाता है, 2 8 टाइम 16 2 1 सा 2, ठीक है। अब आपके पास मजीद 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, अब हम किस पे डिवाइड करेंगे, 3, ठीक है, तो 3 2 सा 6
आपके पास टू कैरी या फिर 21 बन जाएगा, और 21 आपका 3 7 टाइम 27 तो 21 आ जाता है। उसके बाद 3 9 टाइम 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब आपके पास कौन से फैक्टर आए हैं, 2 3 3 3 3। अब आपने इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 3, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3 भी आपका पेयर्स में है, यहाँ पे 3 आपका पेयर्स में है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने अंडर रूट की वैल्यू पुट करनी है और वो आपके पास क्या है 1/2, तो ये आ जाएगा। अब हम इस अंडर रूट को रिमूव कर देते हैं और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस 1/2 को हर वैल्यू के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 है, सही, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ही आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा। अब आप देखो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे चेक करो तो अंडर 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, इसको हम किस पे लिख देंगे अंडर रूट में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 सा क्या होता है आपके पास 9, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे 9 है और इधर यहाँ पे आपके पास क्या है 3, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपने सिंप्लीफाई करना है, आप इसको आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 9 3 सा क्या होता है 27, ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट 2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में सबसे पहले तो आप इसका क्वेश्चन लिख लें। थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, जिस तरह पे इस क्वेश्चन में आपके पास मल्टीप्लिकेशन थी, थर्ड पार्ट में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों है, ठीक है। अगर आप चेक करो तो ये आपके पास है 3/4 क्वेश्चन है, और यहाँ पे 128 और ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए 3/4 जो है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे ये जो 3 है ये आपके पास सर्ट की वैल्यू है, ठीक है, ये आपके पास सर्ट की वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, अच्छा ये इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आपके पास कोई सिंपल अंडर रूट होगा तो उस सूरत में आपके पास अंडर रूट की वैल्यू क्या जाती है 1/2, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे अगर 3 दिया हुआ है तो इस सूरत में आपके पास इसकी वैल्यू क्या जाती है 1/3। इसी तरह अगर आपके पास 5 है तो 1/5 होगा, इसी तरह अगर आपके पास कोई भी मतलब n है, ठीक है, तो ये आपके पास 1/n, n आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, आपके पास 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी नंबर हो सकता है, अगर आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन है तो वो आपके पास 1/3 आएगा, अगर कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो वो आपके पास सिंपल क्या जाता है 1/2। अभी आप देखो आपने जो पहले दो पार्ट्स किए हैं तो वहाँ पे सिंपल अंडर रूट था तो आप उसको 1/2 में करते थे, अभी आपके पास क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है तो अब इसमें अंडर रूट की वैल्यू क्या जाएगी 1/3। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो 128 का एलसीएम लें, ठीक है, जब आप 128 का एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाता है 2 6 times 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है 128 का एलसीएम। अब आप सबसे पहले लिखो 3/4, ठीक है, 128 के आपके कितने फैक्टर्स हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो ये आपके पास 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, और 4 इस पे क्या आ जाएगा अंडर रूट, और 4 का इसकी अंडर रूट की पावर क्या है 3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अब आप देखो हमारे पास पहले क्या होता था अंडर रूट 1/2 होता था, ठीक है, तो हम जब उसके फैक्टर्स बनाते थे 2 का फैक्टर बनाया, ठीक है, तो ये आपके पास 2 स्क्वायर में आ गया, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते थे 1/2 से, ठीक। अभी आपके पास जो अंडर रूट दिया हुआ है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, अंडर रूट की वैल्यू ये है 3, ठीक है, तो अब आप कोशिश करो कि जो आपके फैक्टर्स आए हैं वो आप उसको पावर 3 मिलो, ठीक है, इस तरह दो, ताकि ये आपके पास क्या बन जाएगा 2 का क्यूब, और आप इसको लास्ट पे क्या करोगे इस 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जो आपके फैक्टर्स आए हैं आपने यहाँ पे इसको 3 का 1 आपका बन गया, नेक्स्ट 3 का 1 बन गया, और ये 2 आपका सेपरेट आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे 3/4, यहाँ पे 2 का क्यूब
ठीक है, 1 2 3, नेक्स्ट आपका 1 2 3 ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई 2, और हम यहाँ पे आपके पास सर की वैल्यू क्या है 3, और जब इसका आप रिमूव करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/3, ठीक। अब आपने इस 1/3 को हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई, और ये 2 आपके पास इसकी पावर 1 है तो इसका ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कैंसिल नहीं हो सकता, ये आपके पास आ जाएगा 3/4, और यहाँ पे देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाते हैं 4, और यहाँ पे जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में कहते थे अगर आपके पास 2 की पावर 1/2 है तो आप इसको कैसे लिख ले देते थे, यहाँ पे इस तरह नोट में। अब आप देखो आपके पास 2 की पावर क्या है 1/3, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका डिनोमिनेटर होता है ये हमेशा आपके पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, जब आप इसको सर्व की फॉर्म में लिखते हो, और ये 2 की पावर 1 आपके पास 2 आ जाते हैं तो आप इसको सिंपल इस फॉर्म में लिख सकते हो। याद रखिएगा यहाँ पे आपके पास जब आपके पास कोई और 3 हो 5 हो तो आप उसको इस तरह से लिखते हो। तो अभी आप देखो आपके क्वेश्चन में क्या है 2 की पावर 1/3, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे 2 और ये 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह। अब आपने क्या करना है यहाँ पे अगर आप देखिए तो 4 आपका यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे भी 4 है, ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, 4 4 से कट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा 3 2 और यहाँ पे ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4th पार्ट है वो आप लोगों ने खुद करना है, इसमें आपने 96 का एलसीएम लेना है, ठीक है, और उसका अब यहाँ पे देखो तो आपके पास सर्व की जो पावर है वो 5 है, तो जब आप इसके पेयर्स बनाओगे तो आप इसको 5 में लिखोगे, ठीक है, और फिर 1/5 करोगे और 1/5 से मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर लोगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप उम्मीद है आप लोग कर लोगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 1st पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1st पार्ट आपके पास है सिंप्लीफाई, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसका 1st पार्ट है 18 डिवाइडेड बाय आपके पास कौन कौन से फैक्टर आए हैं 2 3 3, ठीक है, आपने इसको क्या करना है आप यहाँ पे 18 के फैक्टर्स लिखने हैं तो ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे आप देखो ये अंडर रूट जो है वो तीनों वैल्यूज के है, सही, आप इस अंडर रूट को क्या करोगे सेपरेट कर लोगे, ठीक है, ये आपने सेपरेट कर लिया और डिनोमिनेटर में क्या है अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2। अब ये देखो डिवाइडेड है ना तो अंडर रूट 3 से कट हो जाता है और अंडर रूट 2 आपका अंडर रूट 2 से कट हो जाए, ठीक है, तो सिंपल आपके पास अंडर रूट 3 जो है वो आपका आंसर आ जाए। आपने 18 का एलसीएम लेना है, उसके बाद आपने अंडर रूट हर वैल्यू का सेपरेट कर लेना है, कटिंग करनी है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 1st पार्ट हो जाता है कम्प्लीट। इसके बाद आपने 2nd क्वेश्चन करना है, 2nd में आपने देखा क्या है 21 अंडर रूट 9 अंडर रूट 63। अब हम 2nd पार्ट किसका लिखते हैं 21 अंडर रूट 9 एंड डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 63, ठीक है। अब आप देखो कि 21 आपके पास अगर हम मल्टीप्लाई फैक्टर्स की फैक्टर्स देखें तो आपके पास मल्टीप्लाई करें तो 7 एंड 3, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल 21 को आप इस तरह भी लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई 3, इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 9, ठीक है। अब आप देखो 63 के आपके कौन से टेबल पे जाते हैं 7 एंड 9, तो आप इसको 7 मल्टीप्लाई 9 में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है जिस तरह भी अपने पहले पार्ट में किया था इन दोनों वैल्यूज का आप क्या करो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी इन दोनों वैल्यूज का आपको जो आपके पास सरेंडर होता है उनको सेपरेट करो, तो जब आप सेपरेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आप करोगे। अब यहाँ पे अंडर रूट 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है। यहाँ पे आपका 2nd पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं 3rd पार्ट, ठीक है,
यहाँ पे आपने क्या करना है, थर्ड पार्ट में आपने 243, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। 243 का आपने एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद पहले ये आपके पास है 243 एक्स की पावर 5 वाई की पावर 10 एंड जेड की पावर है आपकी 15 और सर्ट की वैल्यू आपकी दी हुई है 5। तो आपने क्या करना है, 243 का एलसीएम लेना है। 243 का एलसीएम जब आप लेते हो तो आपके पास आता है 3 की पावर 5, ठीक है, आप लोग 243 का एलसीएम ले लीजिएगा। जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास 3 की पावर 5 आ जाता है। अब इसी तरह ये एक्स की पावर 5, वाई की पावर 10, जी की पावर 15 और यहाँ पे आ जाएगा सर की पावर जो है वो 5। अब आप देखो कि आपके पास जो सर है वो क्या है, 5, यहाँ पे 3 की पावर 5 है, x की पावर 5 है और यहाँ पे क्या है, y की पावर 10। अब आपने क्या करना है, y की पावर 10 को आप क्या ले सकते हो, 5 by 5 और by 5, ठीक है। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़े है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स आपकी क्या हो जाती है, ऐड। यहाँ पे देखो बेसिस सेम है, y 5 में 5 प्लस करो तो आपके पास रिटर्न में क्या आ जाते हैं, y 10, वापस वही वैल्यू आ गई है ना। तो आपने सिंपल क्या करना है, y 10 को आपने ब्रेक कर दिया है 5 5 और y 5 में, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्या है, जी 15, हमने सिंप्लीफाई क्वेश्चन को करना है, हम इसलिए क्या करेंगे, जी 15 है तो हम इसको जी 5 एंड जी 5 में लिखेंगे। बेसिस सेम है, पावर्स तीनों का ऐड करोगे तो 5 10 15, आपके पास 15 आ सकते हैं, आपने जस्ट इसको ब्रेक करके लिखना है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, जी की पावर 5, एक्स की पावर 5, और वाई 10 है तो वाई 5 और वाई 5 में आ जाएगा। इसी तरह जी 15 है तो जी 5 एंड जी 5 और यहाँ पे सर्फ की पावर क्या आ जाएगी, 1 by 5। अब आपने क्या करना है, इस 1 by 5 को हर वैल्यू के साथ आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे जी की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 by 5, एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 by 5, वाई की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 by 5, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। आपने हर वैल्यू को ब्रैकेट की जितने भी आपके पास वैल्यूज है, हर वैल्यू को आपने सर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये कट हो जाएगा, ठीक है, सारी आपकी वैल्यू जो है वो आपकी कट हो जाएंगी, ठीक है, पावर्स जो है वो सारी कट हो गई। अब आपके पास क्या वैल्यू रहेगी, 3x, यहाँ पे y और यहाँ पे z, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 3x y आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर और जेड आपके पास क्या है, 3, तो ये आ जाएगा जेड क्यूब, 3xy² z³ आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 और 5 जो है वो आपकी होम असाइनमेंट है। क्वेश्चन 4 में मैं आपको बता देती हूँ 125, आपने सिंपल 125 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो सर्ट आपका 3 दिया हुआ है उसको आप लिखोगे 1 by 3 में, 1 by 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका यहाँ पे कटिंग और डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपका जो पार्ट 5 है उसको भी आपने 21, 7 और 3 मतलब 21 का एलसीएम लेके आप इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हो। 4 by 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 और 5 जो है वो आपके होम असाइनमेंट है। उम्मीद है आप अपनी होम असाइनमेंट का काम आसानी से कर लो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।